डीजे शुगर। ओके, तो अब हम जा रहे हैं लोनावला, और लोनावला के बाद हम जाएंगे पूना, क्योंकि हम अपने बहुत चहीते बंदे को ड्रॉप करने जा रहे हैं, जो मेरी जान का टुकड़ा है। तो वो आया था बॉम्बे, तो इसीलिए मैं उसे अभी ड्रॉप करने जा रही हूँ, और ऑन द वे बहुत मस्ती भी करेंगे। मैकडॉनल्ड्स, KFC, स्टारबक्स, सब तो ऑन द वे ही है, लेकिन उससे बेटर है हमारा वड़ा पाव, इंडियन बर्गर, क्योंकि वो सबको पसंद है और वो विदेश में नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो जय महाराष्ट्र, आमची मुंबई, आमची माटी, आमची माणस, इसका हम रियाज करते हुए वड़ा पाव ही खाएंगे। मेरे फ्रेंड के साथ ये हुआ था, उसके पास है होंडा, ठीक है, और उसके सिमिलर नंबर का मतलब एक ट्रक था, तो उसमें चलान लग गया और फोटो आ गया इसके पास, तो वो लड़ रही है, बोल रही है मेरे पास ट्रक तो है नहीं। चलान कहाँ से भरू, मेरी मेरे पास तो होंडा है। वो लोग बोले नहीं भाई, तुम्हारा ही है, तुम्हारी गाड़ी का नंबर है, बोले लेकिन मेरे गाड़ी का नंबर तो मांग, मेरा गाड़ी तो चेक करो, मेरा गाड़ी होंडा है, और उन लोग चलान मार रहे हैं ट्रक के लिए। सोचो ऐसा भी धोखा होता है, देखा। कोई किसी को उड़ा देगा तो फिर शुक्र है, अगर नंबर मैचिंग मैचिंग हो तो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं अंदर। लेकिन मैंने गाड़ी चलाई नहीं, मैं तो घर में सो रही थी। अरे मैं तो सोया हूँ, क्या प्रूफ है आपके पास सोया था? अब उसका भी प्रूफ रखना पड़ेगा भाई, फोटो निकालो रात को सोते समय। नहीं देखो मैंने स्नैप भेजा था, मैं रात को देखो, इनको भी स्ट्रीक है मेरा। नहीं तो अच्छी बात है ना, हम लोग तो ब्लॉगर्स हैं, हम लोग सब कुछ ब्लॉग करते हैं ना, तो अच्छी बात है, एटलीस्ट हम ये बता सकते हैं कि हम लोग घर में ही थे। देखो मैंने इसको डाला था, इसने ओपन नहीं किया, इसके घर पे जाके इसको देखते, देखो मेरा स्नैप क्या था। देखो मैं तो सोया हुआ था, 12 बजे मैंने स्नैप डाला था। देखो आजकल प्रूफ के तौर में क्या क्या नहीं करना पड़ता। अच्छा
तो अजीब लगा था। ये क्या था मतलब? अच्छा मौसम में जब बारिश हो चुकी है और ज़मीन कितना कूल है यहाँ पे, अभी मैगी खाना, वड़ा पाव खाना, गरम गरम चीज़ें खाना कितना मज़ेदार होगा। तो वी आर जस्ट गोना हेड टू द नेक्स्ट प्लेस जहाँ पे हम मैगी खाएंगे। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा खाऊंगी और सुमित सब कुछ खा लेगा, ठीक है? तो देखते हैं उन लोग मैगी कैसे बनाते हैं और हम उस मैगी को कैसे करके खाएंगे। अंकल जी को बोला है कि मुझे एक प्लेट भजिया दो, सारा कॉम्बिनेशन डाल के, ताकि मैं एक एक एटलीस्ट टेस्ट कर सकूं कि सब क्या है। और फिर वापस जब आएंगे या लोग आएंगे यहाँ पे खाने तो उनको तो पता होगा कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, राइट? तो फिर देखते हैं। अब हम एकदम मज़ेदार लोकेशन में जाके खाएंगे। How is it, ma'am? Very nice. Oh, अभी मुझे पता नहीं कि एक्चुअली नाइस है या मौसम की वजह से नाइस है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही सही है। गरम गरम तीखा तीखा मैगी, और मैंने तो एक्स्ट्रा मसाला वाला बोला है, तो इट्स वेरी टेस्टी। अच्छा ठंडी भी है ना अभी, तो ठंडी की वजह से ना गरम गरम और तीखा तीखा अच्छा लग रहा है। और पीछे वाटरफॉल है, ऐसे लग रहा है कि मूवी शॉट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। Mm.
मिर्ची की चटनी इज बॉम्ब, एकदम अमेजिंग। मैंने कभी पहले टेस्ट नहीं किया ऐसा। इसे ठेचा बोलते हैं, मैंने ठेचा तो खाया है लेकिन ये होता ना ऐसा टाइप का अमेजिंग। और प्रतीक जी हमको अभी रेसिपी बता दें, कैसे बनाते हैं आप ये? ये दो टाइप का मिर्ची लेने का, दो टाइप का, एक तीखा वाला एक कम तीखा, तीखा नहीं। अच्छा, तो उसको ये करने का, ये करने का मिक्सर में ग्राइंड करने का। अच्छा, अदरक लहसुन ये भी साथ में ग्राइंड करने का। हाँ। मिर्ची अलग निकलने का, ये अदरक लहसुन अलग निकलने का। उसके बाद आपका मोरी राई, राई का तड़का देने का, उसके अंदर अपना ये। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हिंग, हिंग मालूम है आपको? हाँ, हिंग। सबसे ज्यादा फैटनिंग इस पूरे चीज में ये ठेचा ही है। अब तो मुझे पूना से भागना पड़ेगा। हाँ जी, फिर सर ये 10 किलो रहेगा तो 3 लीटर तेल लगेगा। ओके, बनाने के लिए। ओके, अब मैंने डबल मसाला वाला मैगी मंगाया था, तो मैंने इनको पूछा है कि वो मसाला क्या था। तो ये है मसाला जो वो डालते हैं, ये डबल मसाला बन जाता है मैगी टेस्ट मेकर के अलावा, और ये लोग घर में बनाते हैं। तो आई एम गोना ट्राई दिस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लाल वाला मिर्ची है। ओके, लाल वाला मिर्ची है, कांदा है। आपने तो वार्निंग दिया नहीं कि इतना तीखा है, आपने तो बोला ट्राई करो। ट्राई मत करना अगर आपको तीखा नहीं समझ में आता। मैगी में बहुत सही है लेकिन प्लेन बिल्कुल नहीं। अभी रेट्स भी बता दें, तो मैगी अगर आप ये एक्स्ट्रा मसाला वाला खाएंगे तो दैट्स अराउंड 70 रुपीज़, ठीक है। अगर आप ये चीज़ भुजिया खाएंगे, अच्छा सुमित जी ने सारे चीज़ वाले खा लिए, तो चीज़ वाले अगर आप खाएंगे, हाँ देखो ये चीज़ वाला, अगर आप ये वाले खाएंगे तो ये 150 पर प्लेट। हाँ 150, और एक प्लेट में कितने आते हैं? 10-12 पीस। तो दैट्स वेरी गुड एक पूरी फैमिली के लिए। और और अगर ये बहुत दिलदार है, इन्होंने मुझे 20 रुपीज़ ऑफ भी दे दिया। अगर आप कांदा वाला खाएंगे तो दिस इज 70 रुपीज़ पर प्लेट। एंड अगर आप कॉर्न वाले लेंगे तो कॉर्न है आई थिंक 100 रुपीज़ पर प्लेट, राइट। सो सस्ता एंड टिकाऊ। बड़ा पाव कितने का है? 20 रुपया। अरे वो तो हर जगह 20 रुपीज़ फॉर वन मज़ेदार वड़ा पाव, जो मैं अगली बार आके खाऊंगी। वड़ा पाव और कॉफ़ी मेरा बाकी है, तो 100% आओ खा के। इन्हीं के बाद प्रदीप जी के पास ही आऊँगी और उनसे ही मैं बनवाऊँगी, और तब मैं वो वाला स्टोरी कवर करूँगी, तब आप देखते जाइए कि वड़ा पाव कैसे है। राइट, गौर से देखिए, ये है सुमित जो मेरा वीडियोग्राफर है, जो अक्सर मेरे एंगल्स और मेरा वीडियो लेते हैं। अब मैं इनका वीडियो ले रही हूँ ये दिखाने कि ये एक्चुअली सारा खाना खा जाता है। मैं तो सिर्फ दिखाती हूँ, एक दो बाइट में मेरा तो पेट वैसे ही भर जाता है और पूरी प्लेट ये खा जाता है। लेकिन देखो कितना फिट है, खाली पोट इसका थोड़ा सा बाहर आ रहा है, एक साल के बाद शायद और थोड़ा बाहर आ जाएगा। मुझे तो लगता है कि मुझे डाइट खाना अब कवर करना चाहिए, नहीं तो हम दोनों ना वैसे ही फिट नहीं आएंगे। ऐसे चलना पड़ेगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लेकिन बहुत मजेदार था। कैसा था सुबह? चीज वेजी ट्राई करो, सच में वर्थ है। I know. I second that. Cheers. तो आज दिन खत्म हो चुका है, मतलब रात हो चुकी है। हमारा दिन आज पूरा दिन बहुत ही अमेजिंग रहा है। थोड़ा सा सेंटी, बहुत सारा मेंटी और पेट पूजा तो पूछो ही मत। सुबह से रात तक मैं खा ही रही हूँ, और अब जो खाए हैं वो तो सुपर अमेजिंग था। और आप जानते हैं ना, मौसम और खाना एक बार जम जाए तो कॉम्बिनेशन इज धमाकेदार। सो आई जस्ट फुल स्टमक और बहुत सारा खुशी, थोड़ी सी उदासी, लेकिन मेमोरीज भरपूर।
और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक का आइकन नीचे है, आप उसे प्रेस कीजिए तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये पसंद आया। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए तो जब भी हमारे वीडियोज आएंगे आपको पता चल जाएगा। आप हमें आपका कमेंट और फीडबैक भी दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको क्या क्या पसंद आया और आप क्या आगे देखना चाहते हैं। ऑलराइट, फॉर नाउ गुड बाय एंड आई लव यू।